आदित्यनाथ योगी की छवि हिंदू कट्टरवादी नेता की रही है, लेकिन योगी के बारे में जैसा कहा जाता रहा है असल में हकीकत थोड़ी अलग है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जश्न हो रहा है, इसमें वहां के मुस्लिम बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। फौरन काम करवाने के उनके अंदाज को वहां के लोग खूब सराहते हैं। गोरखपुर में हर जश्न में मुस्लिम शामिल नजर आ रहे हैं। पहली वजह मिली गोरखपुर मंदिर में ही। गोरखपुर में मंदिरों के निर्माण का जिम्मा है मोहम्मद यासीन अंसारी पर। मंदिर में 1977 से हैं। करीब 40 साल हो गया। करीब 40 साल हो गया। 5 साल तक मैं यहाँ कैशियर था मंदिर का, उसके बाद से मैं सब निर्माण का काम कराता हूँ, चाहे मंदिर हो, भवन हो, चाहे जो कुछ भी हो। जितना यहाँ निर्माण हुआ है, साधना भवन, यात्री निवास, वृद्धा आश्रम और अस्पताल, सब टोटल में सब मैं ही निर्माण कराता हूँ। तो 2 मंदिर भी मैं ही बनवाया हूँ। रोक टोक नहीं, चाहे मंदिर हुआ, कहीं भी हुआ, हम मंदिर के गर्भगृह में भी हमेशा आते जाते, कोई जरूरत पड़ती है तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा को गोरखपुर मंदिर के पास ही क्लिनिक चलाते डॉक्टर मुश्ताक मिले, जो बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ की छवि गलत बनाई गई है। महाराज जी मुख्यमंत्री हुए, हम लोगों को बहुत खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और हम लोग हर जगह वहाँ पे जो भी चीज़ें खुशियाँ, जो भी लोग जैसे भी खुशी मना रहे हैं, हम लोग भी शामिल उसमें हैं। हाँ, ये भी देखा गया है कि अगर बहुत 150 लोग अगर खड़े हैं, अगर महाराज जी के सामने कोई दाढ़ी वाला या कोई मुस्लिम नज़र आता है तो सबसे पहले उनको बुलाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणबीर सिंह पहुंचे गोरखनाथ मंदिर के पास मौजूद एक मदरसे में, जहां मदरसे में बैठा हर कोई योगी आदित्यनाथ का फैन नजर आया। वजह सुनिए उन्हीं की जुबान से। एक मरतबा मदरसा, इसी मदरसे की जमीन है, उस पर तमाम लोगों ने कब्जा कर लिया और उसके बाद जो है तमाम जितने मौलाना इसे पढ़ाते हैं वो सब लोग गए मंदिर में। तो महाराज ने पूछा, भाई क्या बात है, बताइए आप लोग कैसे हैं, बताए भाई हमारा जो है जमीन अब लोगों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको बोला, इसको बोला, उन्होंने कहा कि तुम आज जुमा का दिन है, 1 बजे नमाज होती है, अगर 12 बजे तक ये सारा मलबा यहाँ से नहीं हटा, ईटा पत्थर जितना है, तो मैं 1 बजे नमाज के टाइम पहुँचूंगा और उसको सारा 1 घंटे में हम उसको हटाने की व्यवस्था हम कर लेंगे। एसओ साहब आए तो मौके पर सारा उन्होंने साफ करा दिया। मुसलमानों का भी यहाँ पे जो है बड़ी वाली मस्जिद है, वहाँ पे जो विवाद चल रहा था उसको जाकर के जो माननीय जो है अवधनाथ जी महाराज, ये आदित्यनाथ जी महाराज जी जाकर के उसको साल बताए। क्या मामला क्या था जो है वो मस्जिद था जो है, वो रास्ते का मामला था जो है, रास्ते को लोग घेर रहे थे, उसको जा करके जो है मिनटों में साल्व करा दिए। वो खुद गए थे? जी खुद गए थे और सभी मुस्लिम समुदाय के लोग जो है उससे बहुत खुश हैं। हम लोग बहुत खुश हैं इनको मुख्यमंत्री बनने से। हम लोग को कोई काम पड़ता है, हम लोग का पूरी बिरादरी के लोग कोई भी चला जाए इनका काम हो जाता है। अच्छा, मंदिर में बगल में चूंकि मंदिर है तो आना जाना आप लोग का होता है? हाँ एकदम, जब चाहे आदमी चला जाए, तुरंत काम हो जाता है। पहले हम लोग का होता है काम, मुसलमान भाई का होता है। खिचड़ी के मेले में हजारों मुसलमानों को रोजी रोटी मिलती है यहाँ पे जो है। एक बार हम लोगों को जरूरत पड़ी थी, रोड में गड्ढा हो गया था, तो जो है बाबा के पास हम लोग गए और उनके पास जो है उनसे कहा गया कि जो है बाबा जी, ये हमारा जो ये गड्ढा आप सही करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो है आप बहुत लेट आए, करीब 1 साल तक वो गड्ढा था, पर हम लोगों के जाने के बाद से वो गड्ढा जो है 3-4 घंटे के अंदर सही हो गया था। भाई हम लोगों का जो है बचपन से लेकर के मंदिर में आना जाना और घूमना कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, और इसी तरह भी हम लोग जैसे अभी जो है इस तरह हम लोग चले जाते हैं। आग लग गई थी, आदित्यनाथ ने रात भर हम पानी दिया, हमको हमारा बुझ गया सब, बहुत साथ दिया हमारा। क्या कब की बात है आग लगी थी? अभी साल भर नहीं हुआ होगा। हाँ, अच्छा, 1 साल पहले क्या वाकया हुआ था? किसी ने आग लगा दिया कपड़ में, जल गया तो बहुत नुकसान हुआ, तो तुरंत टैंकर आया मंदिर में, पानी पकड़ा, रात भर जो है जलाए, चट चट टैंकर से पानी उतर आग बुती। बातचीत के दौरान मदरसे के बाहर पटाखों की आवाज आ रही थी, वजह जानने की कोशिश की तो मुलाकात हुई निजामुद्दीन से। गोरखपुर के रसूलपुर मोहल्ले में टहलते टहलते एक बच्चा हमें मिला जो अकेला ही पटाखे फोड़ रहा था, और जब उससे हमने बात की तो उसने बताया कि योगी जी के सीएम बनने से वो बहुत खुश है। निजामुद्दीन नाम है इसका। निजामुद्दीन क्यों अभी पटाखे फोड़ रहे थे? योगी जी को जीतने के खुशी में हम पटाखे फोड़ रहे थे, और हमें बहुत खुशी है योगी जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री क्या होता है पता है?
अभी इसका तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग को बहुत खुशी है गोरखपुर में योगी जी मुख्यमंत्री की सीट पाए। अच्छा, तो कभी मिले हो उनसे? जी बहुत बार। कब? जैसे कोई भी फंक्शन में आते हैं, मारा वाला पहनाने जाते हैं तो बोलते तो हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कोई भी अब जैसे फंक्शन में ढेर से लोग जैसे माला पहना कर सबको आशीर्वाद देकर बस आशीर्वाद देकर हम लोग हट जाते हैं। तो तुम्हें भी आशीर्वाद दिया उन्होंने? जी बहुत, दो बार। गोरखपुर के मुस्लिमों को बड़ी उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के आने से अब इलाके के साथ साथ राज्य का विकास भी तेजी से होगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।